हेलो गाइस, हम लेकर आए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के जो आने वाले दिनों में मैथ के एग्जाम में आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि पाई निम्न में से है, तो पाई कौन सी संख्या है ये बताना है। तो चार ऑप्शन दिए, पहला परिमेय, दूसरा अपरिमेय, तीसरा पूर्णांक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दूसरा ऑप्शन जो है पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, आप लोग पाई अपरिमेय संख्या आप लगाइएगा। अब दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि 3x² - 6x + k = 0, एक द्विघात समीकरण दिया है। कह रहा है कि जिसके मूल क्या हैं, समान है। समीकरण द्विघात समीकरण के दो ही मूल होते हैं, एक मानते हैं अल्फा और दूसरा क्या मानते हैं बीटा, और दोनों मूल क्या कह रहा है, बराबर हैं। तो उसको देखते हुए हमको कह रहा है k की मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है क्या, देखिए कैसे करते हैं, अल्फा और बीटा दो मूल हैं और दोनों क्या हैं, समान हैं। तो हम समीकरण से निकालेंगे कि मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a, तो -6/3, और माइनस पहले से ही लगा रहता है 6/3, यानी कि 2। अल्फा और अल्फा इसलिए क्लियर कर दिए क्योंकि दोनों मूल क्या हैं, समान हैं। दोनों मूल समान है यानी कि बीटा की जगह भी अल्फा रख दिए, तो 2α = 2, यानी कि α = 1। और हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, α×β = c/a, सी की जगह k है और a की जगह 3 है, और बीटा की जगह फिर से हम अल्फा रख देंगे क्योंकि मूलों का योग, मूलों दोनों का मूल क्या है, समान है। α×α = k/3, और अल्फा की वैल्यू अभी हम ऊपर निकाल लें कि α = 1, तो दोनों जगह 1 1 रख दिया और k/3, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 3। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा ए क्या है, सही है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बिंदु -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ये दो बिंदु दिए हैं, ये रेखा का निर्देशांक दिया है मिलाने, और इसको मिलाने वाली रेखाखंड का जो भी मध्य बिंदु का उसको निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं, क्या करिएगा फ्रेंड, आप दोनों मध्य बिंदुओं को, जैसे ये एक्स एक्स का निर्देशांक और ये भी एक्स एक्स का, उनको दो जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, और वाई एक्स के निर्देशांक को जोड़ कर 2 से भाग देंगे। तो जो भी भाग देने पर आएगा, यानी कि भाग देने पर -2/8 आ जाता है, यानी कि मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, -2/8। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि 3cot A = 4, तो sec A का मान क्या होगा। 3cot A = 4, तो sec A का मान क्या होगा, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए दिया है कि 3cot A = 4, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 3 को इधर डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4/3, तो cot की वैल्यू क्या होती है, tan का उल्टा, tan क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार/लंब, तो आधार/लंब हो गया। यहाँ से कर्ण निकल जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, तो यहाँ से 5 आ गया। अब हमको निकालना है sec, sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो cos क्या होता है, आधार/लंब, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा लंब/आधार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, बी। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि x tan 45 cos 60° = sin 60° cot 60°, तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए ये इसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड कर देंगे, और सीधा सीधा हमको मान रखना है, sin 60° का वैल्यू होता है √3/2, और cot 60° की वैल्यू होती है 1/√3, और tan 45 की वैल्यू 1, और cos 60° की वैल्यू 1/2। इनको सब सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या है, 9π² है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं, ये देखिए बेलन दिया है, तो इसके आधार का, आधार एक वृत्त के आकार का होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि π r² होता है, पाई आर स्क्वायर किसके बराबर रख देंगे, आधार के क्षेत्रफल के बराबर। तो देखिए पाई से पाई कट गया, r² = 9, और r की वैल्यू यहाँ से √3 करेंगे, √9 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3। तो त्रिज्या क्या मिल गया, 3 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या होगा, त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 से गुणा कर देंगे, तो 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी सही होगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ये क्वेश्चन 13, 14, 16 और 20 यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसको देख लीजिए कैसे करते हैं। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से 9 तक जाएंगे और कितनी संख्या है, टोटल 9, तो 9 से भाग देंगे, जोड़ने पर 45 है, 9 से भाग देंगे तो 9×5 = 45। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।